दोस्तों, आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो मैंने दो दिन पहले भी फेसबुक में रखा था लिखकर, ये है कि हम सालों से घी खा रहे हैं, फिर भी हमारी हड्डियां, शरीर की हड्डियां मजबूत होने की जगह कमजोर क्यों हो रही है। घी सालों से खा रहे हैं, घी के बारे में हमने सुना है कि हम घी खाते हैं शक्ति के लिए और दूसरा हमारी शरीर की हड्डियां मजबूत रहे, लेकिन उसके बावजूद हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर हो रही है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों को कमजोर करने का रोग फैल रहा है। शरीर में हड्डियां मजबूत करने का काम कैल्शियम करता है, और जो कैल्शियम होता है उसको शरीर में स्वीकृत कराने के लिए यानी कि एब्जॉर्ब करवाने के लिए यानी कि उसको फंक्शनिंग करवाने का जो काम है वो विटामिन डी करता है। विटामिन डी दो तरीके होते हैं, D2 और D3। D2 होता है वो हमें खाने से मिलता है, और D3 मुफ्त में मिलता है यानी हमें भगवान दे रहा है सूर्य प्रकाश के द्वारा। सूर्य प्रकाश से हमें विटामिन D3 मिलता है। आंकड़ों पे नजर करें तो 65-70% लोगों को भारत में विटामिन डी न्यूनतम मिल रहा है यानी कि नहीं के बराबर। 65-70% पीपल आर इनएफिशिएंट टू विटामिन डी एंड 15% आर डेफिशिएंट ऑफ विटामिन डी, यानी कि 15% लोगों को विटामिन डी की कमी है और 65-70% लोगों को नहीं के बराबर विटामिन डी मिल रहा है यानी कुछ भी नहीं। बाकी के जो बच्चे उन लोगों को विटामिन डी मिल रहा है। अब विटामिन डी मिलेगा नहीं तो कैल्शियम काम नहीं करेगा, कैल्शियम काम नहीं करेगा तो हमें हमारी हड्डियों को मजबूती नहीं मिलेगी, कमजोर होते जाएंगे। घी के बारे में हमने एक बात ये सुनी है, एक बात मैं आपके आंकड़ों दिखाकर बता रहा हूं। अब दोनों को कंपेयर करें तो फिर सालों से घी खा रहे हैं उसके बावजूद हमारी हड्डियां कमजोर क्यों रही है, उसका सबसे बड़ा मेन कारण जवाब जो मिलता है वो जवाब यह है कि मिलावट, भयंकर मात्रा में मिलावट हो रही है। 68.7% ये मार्च महीने में 2018 में मिलावट वाला दूध बिका, और दूध के उत्पादन, दूध के आंकड़ों को देखोगे तो आंकड़े ये बोलते हैं कि 15 करोड़ लीटर दूध रोजाना बनता है, 65 करोड़ लीटर दूध रोजाना कंजम्पशन है यानी कि उपयोग है, यानी कि गैप जो रहा वो 50 करोड़ लीटर। अगर 50 करोड़ लीटर यानी 68.7% की कमी, अब दूध के लिए कमी तो दूध के उत्पादन के लिए कितनी कमी, तो उसके मिलावट ज्यादा है, जाहिर है कि ज्यादा होगी। 89.2% दूध के उत्पादन जो है घी पनीर बटर वगैरह 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 वो मिलावट वाले बिके। अब अगर ओरिजिनल चीज नहीं मिलेगी तो हड्डियां मजबूत कैसे होगी, और ये आंकड़े सही कैसे दर्शाते हैं कि अगर इतनी रोग इतनी बीमारी है, इतनी हड्डियां मजबूत नहीं हो रही है, कमजोर हो रही है, वो भी 90% के नजदीक आ रहा है, मिलावट भी 90% के नजदीक आ रही है, और WHO ने भी ये बोला है कि 2025 तक 87% लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होगी अगर इस मिलावट को नहीं रोका गया तो, वो भी 90% के नजदीक आ रहा है। यानी एक दूसरे को कोरिलेट करें तो कोरिलेशन से ये भी पता चलता है कि मिलावट उसके नजदीक में है, मिलावट हो रही है, और जब मिलावट वाली चीजें मिलेगी तो हमारा हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं रह सकता। अच्छा हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य के लिए शरीर में जो कैल्शियम के बाद विटामिन डी चाहिए वो हमें पाना पड़ेगा। एमके लाइट भारत के लिए एक वरदान रूप प्रोडक्ट है। एमके लाइट में विटामिन डी अवेलेबल है, विटामिन ए 750 है, विटामिन डी है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी उसमें है, जो रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए काम करता है, जो अच्छे फैट होते हैं, फैट तीन तरह के होते हैं, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड एंड ट्रांसफैट। उसमें अच्छे जो फैट होते हैं वो अनसेचुरेटेड फैट होते हैं, दो प्रकार के अनसेचुरेटेड फैट होते हैं, मूफा और पूफा से हम जानते हैं, मोनो अनसेचुरेटेड एंड पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। मूफा और पूफा का टोटल करें तो एमके लाइट में 64.95 यानी कि तकरीबन 65 के तकरीबन अच्छे फैट्स हैं, जो ज्यादातर घी में आप कंपेयर करोगे तो आपको 31 के आजू बाजू मिलेंगे। उसमें जो बुरे सेचुरेटेड फैट होते हैं वो घी में 65 के सामने एमके लाइट में 33.57 है, और सबसे बुरे जिसके ऊपर वैज्ञानिक काम करते हैं कि फूड में हम ट्रांसफैट कैसे कम करें, वो सबसे बुरे ट्रांसफैट भारत के नियम के अनुसार 4 ज्यादातर घी में आपको पाए जाएंगे, उसके सामने एमके लाइट ने आधे से कम कर दिए यानी कि 1.44। सबसे अच्छी बात ट्रांसफैट 1.44, सेचुरेटेड फैट 33.57,
अब 100 में से 65 ज्यादातर घी में सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट 4 कम करेंगे तो 31 अंदाजित आपको मिलेंगे। उसके सामने एमके लाइट में 64.95 यानी कि सबसे अच्छी चीज, कोलेस्ट्रॉल 0। पहले के जमाने में वैद्य बोलते थे कि देवा करके भी घी खाओ, अब बीमार थोड़ा भी होते हैं डॉक्टर बोलते हैं कि घी मत खाओ, क्योंकि डॉक्टर भी एनालिसिस करते हैं उनके पेशेंट पे कि भाई घी खाने से प्रॉब्लम हो रहे तो वो ना बोलेंगे। डिटेल्स के बारे में, आंकड़े के बारे में कोई नहीं जाएगा, लेकिन उनके पेशेंट्स का एनालिसिस करेंगे, कितने पेशेंट्स को उन्होंने बोला जब हम बीमार होते हैं तो तुरंत डॉक्टर को पूछते हैं सर क्या खाना खाए, तो बोलते हैं कि भाई घी मत खाओ ये वगैरह वगैरह। तो सबसे बड़ा रीजन मिलावट, और ये मिलावट को दूर करने का आज की तारीख में अगर कोई सबसे अच्छा रास्ता है तो वो है एमके लाइट। एमके लाइट को स्वीकार करें, नया साल नया परिवर्तन, और हमें परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। परिवर्तन ही विकास है, परिवर्तन ही विकास है। परिवर्तन हमारे खाने की स्टाइल में, हैबिट में, वेगन लोग, उनकी कम्युनिटी वेगन फूड स्टाइल अब बदल रहा है, लोग वेगन पे जा रहे हैं। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हम जानते हैं, वेजिटेरियन मांस नहीं खाते, जबकि वेगन लोग ना खाते हैं ना पहनते हैं प्राणी में से कुछ भी निकला हुआ। क्रुएलिटी प्राणियों पे बहुत होती है, संवेदना प्यार करुणा यही भाषा है, यही लक्षण है ओरिजिनल वेगन लोगों का। एमके लाइट हमने वेगन लोगों के लिए तो वरदान रूप है ही, लेकिन पूरे भारत के लिए वरदान रूप है, क्योंकि वेगन प्रोडक्ट्स हमें नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स का एक ऑप्शन, एक सब्स्टिट्यूट देता है। एमके लाइट घी का हेल्दी सब्स्टिट्यूट है। कोई भी घी के सामने, भारत के जितने भी अवेलेबल घी है उसके सामने आप कंपेरिजन करेंगे तो आपको एमके लाइट में ज्यादा हेल्दीनेस मिलेगा। हेल्दी बनना हमारे मानव शरीर के लिए आज की तारीख में बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन के युग में हमारे पास टाइम नहीं है कि हम मेडिटेशन करें, कसरत करें। हमारे पास टाइम की कमी की वजह से हमें हमारे खाने में बदलाव लाना होगा, और हमारा खाने में जो लाया हुआ बदलाव हमारे स्वास्थ्य में बदलाव लाएगा, और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं। हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे धंधे के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारी नौकरी के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य रहना बहुत जरूरी है। भारत को हेल्दी बनाने के लिए, हमारे शरीर को हेल्थमय बनाने के लिए, स्वास्थ्यमय बनाने के लिए अच्छा, सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव आपके सामने हमने रखा है एमके लाइट।